दोस्तों, हर स्टूडेंट अपनी 12वीं कक्षा पास करने के बाद अक्सर सोचता है कि अब मैं क्या करूं कि आगे चलकर मैं एक सक्सेसफुल इंसान बन सकूं। कुछ छात्र का तो पहले से ही अपना एक कैरियर ऑप्शन होता है कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, एयर होस्टेस, बैंक मैनेजर या फिर पुलिस बनना है। सभी का अपना अपना एक लक्ष्य होता है। तो अगर आप अपने भविष्य में मेडिकल फील्ड चुन रहे हो या आप एक डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपको नीट एग्जाम के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए आपको नीट एग्जाम देना होगा। और आज के टाइम में मेडिकल फील्ड का स्कोप बहुत तेजी से बढ़ भी रहा है, इसलिए ज्यादातर स्टूडेंट अपना कैरियर मेडिकल लाइन में बनाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि डॉक्टर बनने के लिए क्या करना होता है, कौन सा एग्जाम देना होता है। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको नीट एग्जाम क्या है इसकी पूरी जानकारी देने वाला हूँ। जैसे कि नीट एग्जाम देने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, नीट एग्जाम का पैटर्न क्या होती है, सिलेबस क्या होता है, नीट की तैयारी कैसे करें और इसकी पूरी जानकारी। तो अगर आपने इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लिया तो आपको नीट एग्जाम से जुड़ी किसी भी तरह के डाउट नहीं बचेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए पहले जानते हैं नीट क्या है। नीट, जिसका पूरा नाम द नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, जो सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट के लिए संचालित किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति MBBS, MDS जैसे कोर्स करना चाहता है या फिर MD, MS, MDS करना चाहता है तो इसके लिए नीट एग्जाम को पास करना बहुत जरूरी है। अगर कोई नीट एग्जाम में अच्छे रैंक हासिल करता है तभी उसका एडमिशन किसी सरकारी या प्राइवेट कॉलेज में हो सकता है। इससे पहले नीट को AIPMT नाम से जाना जाता था, जिसमें अलग अलग राज्य और कॉलेज के हिसाब से एंट्रेंस टेस्ट भी अलग होता था। लेकिन नीट के आने के बाद से AIPMT और बाकी सभी मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर समाप्त कर दिया गया है। अभी सिर्फ 3 तरह के मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट मौजूद है, जिसमें पहला आता है नीट किसी सरकारी या प्राइवेट कॉलेज के लिए, दूसरा आता है AIIMS एंट्रेंस टेस्ट जिनको AIIMS में एडमिशन चाहिए, और तीसरा आता है JIPMER उनके लिए है जो जवाहरलाल मेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन चाहते हैं। और पहले जो AIPMT होता था उसमें आपको 2 तरह के एंट्रेंस टेस्ट को पास करना होता था, प्रीलिम्स और मेंस। लेकिन नीट एग्जाम में आपको सिर्फ एक ही एग्जाम को देना होता है, जिसमें अच्छे रैंक आने के बाद आपका एडमिशन किसी भी मेडिकल कॉलेज में हो जाता है। एंड एक बात और आप सभी को पता होनी चाहिए कि नीट एग्जाम को 100% मेडिकल सीट के लिए संचालित किया जाता है, जिसमें से 15% सीट सभी स्टूडेंट के लिए होता है और 85% सीट राज्य स्टूडेंट्स को दिया जाता है जिस राज्य के एग्जाम होता है। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि डॉक्टर बनने के लिए आपको नीट एग्जाम को पास करना होगा। तो चलिए अब जानते हैं कि नीट एग्जाम को देने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। दोस्तों, नीट की परीक्षा NTA नेशनल टेस्ट एजेंसी कंडक्ट करती है, जो कि नीट एग्जाम देने वाले स्टूडेंट के लिए कुछ योग्यता रखी है। जो स्टूडेंट उस योग्यता को पूरा करता है सिर्फ वही स्टूडेंट नीट एग्जाम को दे सकता है। सो नीट की परीक्षा में बैठने के लिए आप 12th क्लास पास होने चाहिए 55% मार्क्स के साथ। इसके बाद ही आप नीट परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके 50% से कम है तो नीट परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। नीट की परीक्षा में बैठने के लिए आपके पास 12वीं कक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए और इन विषयों में आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। एंड नीट परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए आपकी आयु कम से कम 17 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 25 वर्ष तक होनी चाहिए, तभी आप नीट परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास ये सभी क्वालिफिकेशंस है तो आप नीट एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं नीट का एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। दोस्तों, इस एग्जाम में आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से सवाल पूछे जाते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप में होते हैं। हर सब्जेक्ट से 45 सवाल पूछे जाते हैं और हर सब्जेक्ट से 180 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब कि आपसे कुल मिलाकर 180 सवाल पूछे जाएंगे, जो कि कुल मिलाकर 720 मार्क्स के होंगे। हर सवाल 4 नंबर के होंगे और गलत जवाब देने पर 1 नंबर काट लिए जाएंगे। यह एग्जाम सिर्फ ऑफलाइन ही दिया जा सकता है और सिर्फ ब्लू ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आंसर्स को लिखने के लिए।
तो चलिए अब जानते हैं नीट एग्जाम को कितने बार दे सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आप 9 बार नीट एग्जाम को दे सकते हैं। वहीं अगर आप आरक्षित वर्ग यानी कि एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो इस एग्जाम को आप 14 बार दे सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं नीट एग्जाम के लिए आवेदन कैसे करें। दोस्तों, नीट एग्जाम के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट nta.nic.in पर विजिट करें। विजिट करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म आएगा, तो उस फॉर्म में आपसे जो भी जानकारी मांगी जाएगी जैसे कि आपका पर्सनल जानकारी और शैक्षणिक जैसी जानकारी को फॉर्म में भर दीजिएगा। बाद में आपसे कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि फोटो, आपके लेफ्ट हैंड का थंबप्रिंट, 12th का मार्कशीट जैसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, तो आपको उसको स्कैन करके अपलोड कर देना है। ये सारी प्रोसेस पूरा करने के बाद आखिरी में आपको उनकी फीस देनी होगी। फिर फीस देने के बाद आखिरी में कन्फर्मेशन पेज पर प्रिंट निकाले और फॉर्म को सबमिट कर दे। तो दोस्तों, इस तरह से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, ताकि जब भी नीट एग्जाम की कोई भी वैकेंसी आती है तो मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा कि कैसे फॉर्म अप्लाई करना है। ओके, तो चलिए अब जानते हैं नीट की तैयारी कैसे करें। नीट की तैयारी के लिए 11th और 12th अच्छे से पढ़े। अगर आप 11th और 12th अच्छे से पढ़ते हैं तो आधे से ज्यादा नीट की तैयारी आपकी पहले से ही हो जाएगी, क्योंकि पिछले साल के पेपर में देखा गया है कि लगभग 70% सवाल आपके एनसीईआरटी से ही आते हैं। जब आप एनसीईआरटी से पढ़ लेते हो तो इसके बाद आप रेफरेंस बुक की मदद ले सकते हैं। रेफरेंस बुक से हम किसी भी टॉपिक को गहराई से समझ सकते हैं और मुश्किल से मुश्किल सवालों को हल कर सकते हैं, इसलिए आपको रेफरेंस बुक्स की भी मदद लेनी चाहिए। वैसे तो नीट एग्जाम के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों अच्छे से आने चाहिए, लेकिन फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसके सवाल केमिस्ट्री और बायोलॉजी की तुलना में कठिन होते हैं। इसलिए मैं आप सभी को यही सलाह दूंगा कि पहले एनसीईआरटी के सभी टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़े, उसके बाद रेफरेंस बुक की मदद से उन टॉपिक्स को गहराई से पढ़े जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि मैकेनिक्स और मैग्नेटिज्म। केमिस्ट्री सब्जेक्ट ऐसा है जिसके सवाल ना ज्यादा कठिन पूछे जाएंगे और ना ज्यादा आसान, इसलिए आपको पहले से तैयार रहना है। अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेते हैं और कुछ चैप्टर्स जैसे कि ऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री पर ज्यादा ध्यान देते हैं तो आपके लिए यह बेहतर साबित होगा। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि नीट एग्जाम क्या होता है और नीट की तैयारी कैसे करें। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि इस तरह की नई नई वीडियोस आप रोजाना मिलता रहे। अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछना है तो आप कॉमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।